हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम डिस्कस करेंगे कारगिल वॉर के बारे में। आई एम श्योर आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस, इसका पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये वाली बुक है, इसका ये टॉपिक है। और कारगिल वॉर जो है, आपको सबको पता होगा कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था ये? 1999 में हुआ था। इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई वॉर हो चुके थे। तो कमेंट करके आपको बताना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कब कब लड़ाइयाँ हुई थी, कब कब बैटल हुए थे, कब कब वॉर हुए थे। प्लस एक क्वेश्चन और आपको कमेंट करके बताना है कि ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था वो कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था। प्लस शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, ये चीज़ आप कमेंट करोगे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कारगिल वॉर की। कारगिल वॉर से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, भूमिका तैयार कर लेते हैं। तो कारगिल वॉर से पहले हमें थोड़ा पीएम के बारे में पता चल जाए, प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। आप सब लोगों को पता है कारगिल वॉर, एक तरफ था पाकिस्तान और दूसरी तरफ था हमारा प्यारा भारत। भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। उस समय पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल हुआ करते थे परवेज मुशर्रफ। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा एक मैप पे भी नज़र मार लेते हैं। ये वाला जो एरिया दे रखा है, ये है आपका कश्मीर वाला एरिया, और ये वाला जो एरिया है, ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, जो हमसे छीन लिया गया था 1947-48 में, जब हम पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तानी आर्मी ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। ये अक्साई चीन वाला इलाका है, ये चाइना ने ले रखा है, ठीक है। तो कारगिल जो है, ये वाली जगह है, यहाँ पर एक्चुअली ये लड़ाई होती है और यहीं पर रह जाती है। ज़्यादा फुल फ्लेज वॉर तो नहीं होता है। और पाकिस्तान चाहता था कि यहाँ एक मतलब हाईवे आता है, उस हाईवे को कट ऑफ कर दिया जाए। और श्रीनगर से हाईवे आता है, वो कहाँ तक जाता है? लेह लद्दाख तक जाता है। और उस हाईवे को कंट्रोल करके, पाकिस्तान का पर्पज़ यही था कि जब ये कंट्रोल में हो जाएगा तो इंडियन आर्मी यहाँ पे ज़्यादा आ नहीं पाएगी और इनका आना जाना बंद हो जाएगा, तो इस वाले एरिया को ये कैप्चर कर सकते हैं। तो ऐसे करके कुछ प्लानिंग की थी पाकिस्तानी आर्मी ने, मगर फेल हो जाती है। इसकी शुरुआत आपको बताइए कब से स्टार्ट हो जाती है, मई में स्टार्ट हो जाएगी। और ये वॉर कब ख़त्म होगा? जुलाई में ख़त्म होगा। इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो लड़ाई है, कारगिल कन्फ्लिक्ट के नाम से जानी जाती है। और 1999 में आपको देखने को मिलेगा जो भारत की साइड की जो LOC थी, ये तो ये LOC लाइन हो गई, इधर तो पाकिस्तान वाला एरिया हो गया और ये इंडियन वाला एरिया हो गया। तो LOC के भारत वाला जो एरिया था, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग जिनको मुजाहिदीन कह रहे हैं, मुजाहिदीन कह लो, जो अपने आप को मुजाहिदीन कह रहे थे, एक्चुअली मुजाहिदीन तो नहीं थे, पर पाकिस्तानी आर्मी के भी इसमें लोग थे। तो ऐसा मतलब इंडियन फोर्सेस ने इसको सस्पेक्ट किया था कि यहाँ पे इंडियन साइड में नॉट ओनली मुजाहिदीन, पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी आ रहे हैं। और इन्होंने मस्को, द्रास, काक्सर, बतालिक एरियाज, इन एरियाज में जो कई सारी मतलब चौकियों को अपने अंडर में ले लिया था, मतलब यूँ कह सकते हो इंडियन साइड में इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे एरियाज को अपने कब्जे में ले लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो मैप दिखा रखा है, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तानी साइड है और ये इधर इंडिया वाली साइड है। तो इंडिया वाली साइड में इन्होंने कई जगह पर बहुत सारी चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखें, द्रास, काक्सर, कारगिल, बतालिक, टाइगर हिल, बहुत सारे एरियाज को इन्होंने क्या कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। तो शुरू शुरू में जो मतलब लोग आए थे जिन्होंने अटैक किया था, वो अपने आप को मुजाहिदीन बता रहे थे, मगर इंडियन आर्मी ने, इंडियन फोर्सेस ने इनको सस्पेक्ट किया, यार ये मुजाहिदीन तो नहीं लग रहे, इनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं। तो तुरंत हमने मतलब ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। और हमारी आर्मी जो है इनको पीछे खदेड़ने लग जाती है और ये वॉर चलता है। फाइनली ये वॉर जो है आपका ख़त्म होगा कब, 26 जुलाई 1999 को कारगिल वॉर ख़त्म होता है, जिसमें आपको ध्यान देना है, जिसमें हमारी नेवी, जिसमें हमारी एयरफोर्स, जिसमें हमारी आर्मी, तीनों सेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तब जाके हमने इनको हराया था। इनिशियली हमारे लिए थोड़ी दिक्कत आई थी, दिक्कत इसलिए आई थी क्योंकि जो टॉप पोस्ट हुआ करती थी, जो मतलब हिली एरियाज में आपको देखने को मिलेगा, माउंटेनियस रीजन में जो पोस्ट हुआ करती थी, उनको पाकिस्तानी आर्मी ने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो ऐसे में इनको वापस छुड़ाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। इसमें हमारे भारतीय जवानों का वाकई में लोहा मतलब मानना पड़ेगा, उन्होंने मतलब अपने साहस का परिचय देते हुए इन पाकिस्तानी मतलब फोर्सेस से ये जो पोस्ट हुआ करती थी, इनको वापस रिकैप्चर कर लिया था। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो 26 जुलाई 1999 को इंडिया ने जितनी भी लॉस्ट पोस्ट हुआ करती थी, लॉस्ट पॉइंट हुआ करते थे, जो पाकिस्तान के हाथ में चले गए थे, उन सबको वापस कर लिया गया। और 26 जुलाई को ही ये वॉर ऐसा माना जाता है ख़त्म हो गया। इसलिए हम हर साल 26 जुलाई को हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ जीत गए थे।
और इस वॉर में कुछ ऐसी मतलब यहाँ पे पूरी दुनिया का ध्यान हमारे इस वॉर की तरफ था, कारगिल वॉर की तरफ था। दुनिया का ध्यान क्यों था इस समय, क्योंकि आप सोचो एक साल पहले ही 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। आप सब लोगों को पता है न्यूक्लियर टेस्ट किया था दूसरी बार। पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट कब किया भारत ने, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो 1998 में जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसके जस्ट बाद ही पाकिस्तान निकल लिया। तो मतलब 1998 में आपको देखने को मिलेगा इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान दोनों बन जाते हैं न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपर था। ऐसे में वॉर होना तो ये वाकई में मतलब एक चिंता की बात थी। क्यों चिंता की बात थी, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन था। अगर गलती से ये लॉन्च कर देते हैं न्यूक्लियर वेपन तो कितनी ज्यादा समस्या आ जाती, और ये समस्या हमने देख ली है 1945 में। आप सब लोगों को पता है यूएसए ने बॉम्ब गिराए थे कहाँ पे, जापान पे, जिसका खामियाजा आज तक जापान भुगतता आ रहा है ना। तो यहाँ पर डर यही था, दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, अगर ऐसे में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। पर खुशी की बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये वॉर जो है आपको देखने को मिलेगा सिर्फ कारगिल वाले रीजन तक ही सीमित होता है। इस वॉर का पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो पाकिस्तान पर पहली बात तो पाकिस्तान इस वॉर को हार जाता है। दूसरी बात, कुछ सोर्सेस ऐसा बताते हैं कि ये जो वॉर है इस टाइम पर आर्मी की ज़्यादा चलती है, पाकिस्तानी आर्मी की ज़्यादा चलती है, और पाकिस्तानी पीएम को तो बिल्कुल डार्क साइड में रखा जाता है, पता भी नहीं चलता है ना। पाकिस्तानी जो पीएम है उसको तो पता ही नहीं चलता है वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आर्मी अपने आप ही लॉन्च कर देती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तानी आर्मी का ज़्यादा दबदबा था, पाकिस्तानी जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसका कोई इसमें ज़्यादा रोल नहीं था। साथ ही साथ में यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा जब पाकिस्तान इस वॉर में हार जाता है तो पाकिस्तान की उस समय आर्मी चीफ हुआ करते थे जनरल परवेज मुशर्रफ। यहाँ पर आप देख सकते हो यह हैं जनरल परवेज मुशर्रफ, और यह हैं उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। तो ये जनरल परवेज मुशर्रफ क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं, पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ हैं इनको हटा देते हैं और सरकार अपने हाथ में ले लेते हैं। इसको हम बोलते हैं मिलिट्री कू। पाकिस्तान में क्या हो गया, मिलिट्री कू हो गया। मिलिट्री कू का मतलब है सत्ता परिवर्तन हो गया, जो सिविलियन गवर्नमेंट थी सिविलियन गवर्नमेंट से अब शासन किसके हाथ में आ गया, मिलिट्री के हाथ में आ गया। और अब पावर कौन कैप्चर कर ली, किसने कैप्चर कर ली थी, परवेज मुशर्रफ ने पावर कैप्चर कर ली थी। और यहाँ पर जो डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, सिस्टम आ गया मिलिट्री रूल वाला सिस्टम पाकिस्तान में। तो ये इंपैक्ट पड़ता है किस पर, पाकिस्तान पे। इस दौरान कुछ ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे भारत के द्वारा। तो कौन कौन से ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे, तो पहले तो ध्यान रखना हमारी जो इंडियन आर्मी थी उसने ऑपरेशन लॉन्च किया था ऑपरेशन विजय। हमारी एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था ऑपरेशन सफेद सागर। और हमारी जो नेवी है, नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया था, और नेवी का ऑपरेशन था ऑपरेशन तलवार। तो तीन ऑपरेशन है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन तलवार, तीनों ऑपरेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। और इस फोर्स में, इस वाले कारगिल वॉर में इन तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था, तब जाके हम मतलब इस वॉर को जीत पाए थे। इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, मगर पीछे हमारे जवानों के साहस को देखकर पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ता है और इस वॉर को हम जीत जाते हैं। हालांकि इस वॉर के मैं कुछ और भी पॉइंट आपको बताता हूँ। इस वॉर के दौरान इसराइल ने हमारी बहुत मदद करी थी। इसराइल देश आप जानते ही हैं, ठीक है, ज्यूस कंट्री है। इसराइल ने हमें मोर्टार अम्यूनेशन प्रोवाइड कराए थे, लेजर गाइडेड मिसाइल्स प्रोवाइड कराई थी, इसके अलावा ड्रोन्स भी प्रोवाइड कराए थे। मगर इस वॉर के दौरान यूएसए ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करी। यूएसए ने हमें जीपीएस टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। ये मतलब एक चिंता की बात थी, और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि इन्होंने मना कर दिया तो हमने खुद का अपना जीपीएस सिस्टम डेवलप कर लिया, जिसको हम नाविक बोलते हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों को पता होगा, सर्च करना एक बार, है ना। तो ये यहाँ पे यूएसए का चरित्र यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इमरजेंसी के टाइम पर, इतनी खराब सिचुएशन के टाइम पे हमें मतलब धोखा दे दिया यूएसए ने। ये चीज भी आपको भूलनी नहीं है, ठीक है ना। और बाकी तो बस इतना ही है इस वॉर के बारे में, और तो फिर कितना भी जान लो, पर क्लास ट्वेल्थ के हिसाब से दिस इज इनफ आई थिंक, ठीक है। और भी जो भी क्लास ट्वेल्थ के टॉपिक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो टॉपिक्स मैं लाता रहूँगा। जो भी आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगता है बता देना, कमेंट करना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।